दोस्तों दिल्ली के अंदर एक एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है जिसका नाम है अर्बन एक्सटेंशन रोड फेज 2। इसे शॉर्ट में UER2 कहते हैं। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बनने से सोनीपत से IGI एयरपोर्ट पहुंचना बहुत ही आसान हो जाएगा। मात्र 20 मिनट के अंदर आप सोनीपत से IGI एयरपोर्ट पहुंच पाओगे। इस अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बनने से आप कई जगहों से 20 से 25 मिनट में यात्रा कर पाओगे। जैसे कि आप दिल्ली चंडीगढ़ रोड से भी IGI एयरपोर्ट मात्र 25 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ रोड से आप गुड़गांव तक पहुंच पाएंगे मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बारे में जानेंगे, इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानेंगे, इसका कितना काम पूरा हो गया है, कहां पर ये बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है, इसके बनने से दिल्ली के किन किन इलाकों को फायदा होगा। आइए आपको दिखाते हैं इसका पूरा डिटेल। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों दिल्ली और गुड़गांव के बीच में द्वारिका एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। द्वारिका के सेक्टर 21 से ये UER2 स्टार्ट होता है और यहाँ से जाता है IGI एयरपोर्ट के पास। द्वारिका एक्सप्रेसवे का दिल्ली और गुड़गांव वाला जो सेक्शन है वो बनकर के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ रही है। NHAI के द्वारा बनाया जा रहा UER2 एक नया ग्रीनफील्ड लाइन है जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्टार्ट होता है और वहां से जाता है द्वारका के सेक्टर 21 में। यानी कि IGI एयरपोर्ट से निकलने के बाद आप इस वाले एक्सप्रेसवे के मदद से द्वारका एक्सप्रेसवे पर जा सकते हो और वहां से आगे के लिए। इसके बाद जब इसी एक्सप्रेसवे से आप आगे बढ़ोगे तो ये आपको लेकर के जाएगा नजफगढ़ तक। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए नजफगढ़ से मुंडका, रोहिणी, नरेला इन बड़े शहरों से होते हुए NH44 तक जाता है। वहां पर से आप पानीपत, चंडीगढ़, अमृतसर कहीं पर भी जा सकते हो, क्योंकि गाइस NH44 भारत का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है जो कि कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्सप्रेसवे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर रहा है, NH44 को भी कनेक्ट कर रहा है, इसके अलावा द्वारिका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट कर रहा है। इस UER2 पर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी को चला पाएंगे, जिससे कि सोनीपत से IGI एयरपोर्ट आना बहुत ही आसान हो जाएगा मात्र 20 मिनट। आपको बता देगा इसकी ये नितिन गडकरी के मास्टर प्लान के अंतर्गत आता है, जहां पर नितिन गडकरी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, सबसे बिजी एयरपोर्ट है, उसको पानीपत से डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। IGI एयरपोर्ट के बगल में भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप आसानी से वहां पर जा पाओगे। द्वारिका एक्सप्रेसवे और UER2 का काम काफी तेज गति से चल रहा है। जहां पर इसका जंक्शन है वहां पर काफी ज्यादा भुलभुलैया हो चुका है, लेकिन जब आप डेली ट्रेवल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा रूट किधर जाता है। आइए अब हम लोग UER2 एक्सप्रेसवे के आगे के रूट को देखते हैं, नजफगढ़, मुंडिका, कंजवाला, रोही और NH44 तक। द्वारिका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 21 से जहाँ पर UER2 क्रॉस होता है वहाँ से आगे जाओगे तो आपको भारत का सबसे बड़ा पार्क दिख जाएगा। जैसे कि आपने सुना होगा डिज्नीलैंड के बारे में, वैसा ही पार्क बन रहा है, भारत वंदना पार्क, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इस वाले एक्सप्रेसवे के माध्यम से आप वहाँ पर भी आसानी से जा पाओगे। इस वाले एक्सप्रेसवे का मेन मकसद ये है कि सोनीपत, चंडीगढ़, गुड़गांव इन जगहों से आसानी से लोग डायरेक्ट कम से कम समय में IGI एयरपोर्ट आ पाएं। कई सारे विदेशी लोग हैं जो इन जगह पर रहते हैं, कई सारे लोगों को विदेश जाना होता है तो उनको IGI एयरपोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस वाले एक्सप्रेसवे को काफी अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। UER2 यशोभूमि से होकर ही गुजरती है और इस सेक्शन में ये बिल्कुल बनकर के तैयार हो चुका है। इसके नीचे अभी प्लांटेशन का काम चल रहा है। जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है, यशोभूमि है, उस जगह पर आप जाओगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो, आप फील करोगे कि आप अमेरिका जैसे शहर में हो। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को वहाँ पर बना करके तैयार कर लिया गया है। IGI एयरपोर्ट से लेकर के नजफगढ़ तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। आप एयरपोर्ट से नजफगढ़ तक आसानी से आ सकते हो। इसके अलावा नजफगढ़ में जो फ्लाईओवर का हिस्सा है वहाँ पर रैंप पर काम चल रहा है। आपको बता देगा इसकी ये फ्लाईओवर का हिस्सा 4 किलोमीटर लंबा होने वाला है, इस पर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। इसे एलिवेटेड बनाया जा रहा है ताकि वो नजफगढ़ के रोड को क्रॉस कर सके। इस 4 किलोमीटर के सेक्शन में जितने भी पिलर बनाए जाने थे वो सब बनके तैयार हो चुके हैं। आपको बता देगा इसकी UER2 दिल्ली मास्टर प्लान का हिस्सा है और इसके अंतर्गत इन सारे एरिया को डेवलप किया जाएगा जो कि UER2 के साथ साथ चलते हैं। आपको बता देगा इसकी शहरी विस्तार रोड यानी कि UER2 का जो लेंथ है वो 75.7 किलोमीटर लंबा है। ये 6 लेन होने वाला है, इसे सर्विस रोड भी बोल सकते हैं आप, या आप इसे मुख्य एक्सप्रेसवे भी बोल सकते हैं। यह अलीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से शुरू होगा और फिर रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारिका से गुजरते हुए महिपालपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कनेक्ट हो जाएगा। इसका जो मुख्य मार्ग है वो दिल्ली के पश्चिमी दिशा में एक अर्धवृत्ताकार रचना है
आपको बता दें गाइस कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले शहरी विस्तार सड़क 2 यानी कि UER का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह एक बहुत ही भव्य बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है जिसे दिल्ली की तीसरी रिंग रोड के रूप में देखा गया है, जिसका टारगेट उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और बाहरी दिल्ली में कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक ये पूरा एक्सप्रेसवे बनकर के भी तैयार हो जाएगा। 3,600 करोड़ रुपए की लागत वाली यह 6 लेन वाली सड़क दिल्ली और हरियाणा को जोड़ती है, जिसका 54.2 किलोमीटर लंबाई राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA द्वारा वित्त पोषित और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा क्रियान्वित UER2 से यातायात में उल्लेखनीय रूप से आसानी होने और शहर के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है। LG सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा कि DDA की महत्वाकांक्षी UER2 प्रोजेक्ट प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है, जो कि इस साल दिसंबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी। चूंकि इसमें कई विभाग और एजेंसियां शामिल है, इसलिए निर्वाध समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए सक्सेना ने निर्देश दिया कि इस प्रोजेक्ट के शेष हिस्से को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि उपराज्यपाल ने सभी संबंधित एजेंसियों के लिए मौजूदा बाधाओं और आगे के रास्ता पर चर्चा की है, साथ ही फ्यूचर में नाला प्रोजेक्ट में बाधाओं से बचने के लिए खम्भे न जोड़ने के बारे में भी सुझाव दिया। जब मुंगेशपुर नाले पर ओवरहेड रोड के निर्माण के चल रहे काम के बारे में बताया गया, नाले के राइट ऑफ वे में सड़क को सहारा देने वाले किसी भी खम्भे का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नालों के खम्भे के निर्माण ने उनके प्रवाह को काफी हद तक अवरुद्ध किया है, जिससे भारी बारिश के दौरान बाढ़ आ गई है। ये कारण है कि उन्होंने भविष्य में होने वाले किसी भी काम में इस कारक को ध्यान में रखा जाने का आदेश दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि दिल्ली के डेवलपमेंट प्लान में जो UER2 था रिंग रोड दिल्ली का, उसका भी काम लगभग पूरा हुआ है। 3 महीने के अंदर आगे प्रधानमंत्री जी के हाथ से उसका भी उद्घाटन हम करेंगे, जिसके कारण ये पूरे गुड़गांव से धौला कुआ तक जाने वाला जो रोड है, इसका ट्रैफिक 50-60% कम हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, हिमाचल, यहाँ से लोग जिनको एयरपोर्ट जाना है वो पानीपत के बाद तुरंत UER2 पर आएंगे और केवल 25-30 मिनट के अंदर T2 और T3 तक चले जाएंगे, और जिसके लिए 2 से 2.5 घंटे लगते थे वो केवल आधा घंटे में हो जाएगा। UER2 में करीब 30 लाख टन से ज्यादा कचरा दिल्ली के गाजीपुर से सेग्रीगेट करके हमने रोड के बीच में डाला है। अब हम कचरे का उपयोग रोड कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं। एक बार पूरी तरह से बन जाने के बाद शहर में मौजूदा इनर और आउटर रिंग रोड पर यातायात को आसान बनाने के अलावा UER बाहरी, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आवागमन में नाटकीय रूप से सुधार करेगा। साथ ही हरियाणा में सोनीपत और गुरुग्राम के बीच में सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी तो 2016 में मिली थी, लेकिन 2021 में इसे दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत शामिल किया गया और अब इस पर तेजी से काम चल रहा है और बताया जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट तक ये पूरा भी हो जाएगा। ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पहाड़ नहीं है, ये टनल खोद के बनाई है। अच्छा। इसके ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है। हाँ। और 2-2 लेन 4 लेन सर्विस रोड है। हाँ। 8 और 8, 16 और 4, 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है, दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं, हाँ, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है, उत्तराखंड, हिमाचल, उधर के, वो डायरेक्ट UER2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। वैसे कैसे आपको क्या लगता है, UER2 इस साल के लास्ट तक तैयार हो जाएगा? आप अगर इस इलाके में रहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस UER2 का काम कैसा चल रहा है। इसके अलावा भारत में बन रहे किसी भी एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।